नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू हुए इंटरनेशनल व्यापार मेले ट्रेड फेयर में इस बार यूपी पवेलियन की धूम है। यूपी सरकार ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया तो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पहुँच कर लोकल टू ग्लोबल हो गया। इसी बहाने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रीडिंग हुई। इसी बहाने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो रही है। तमाम राज्यों से आए लोग इन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हॉल नंबर 3 में लगे यूपी पवेलियन का आपको दौरा कराते हैं। यूपी पवेलियन का स्वागत द्वारा ऐसे मानो जे किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। एकदम अयोध्या मंदिर की झलक दिखाई पड़ती है। अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले श्री राम मंदिर का मॉडल दिखाई देगा। मंदिर के ऊपर आसमान में उड़ते हवाई जहाज और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द खड़ी गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी कि अयोध्या की तस्वीर बदलने वाली है। यहां सबसे आकर्षण का बिंदु है पीलीभीत की 5 फीट लंबी बांसुरी। अलीगढ़ का करीब 2 फुटा ताला और 1 क्विंटल से ज्यादा वजनी एटा का घंटा यूपी टूरिज्म ने इन जगहों पर लिखा है। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। नोएडा ऑथरिन के अपना स्टॉल हूबहू गौतम बुद्ध नगर जिले के एंट्री गेट की तरह सजाया गया है, जैसा चिल्ला बॉर्डर पर देखने को मिलता है। कन्नौज के इत्र स्टॉल पर खुशबू बिखर रही थी। इत्र की खूबियां बता रहे हैं सौरभ दीक्षित ने बताया। साल 2019 के बाद ट्रेड फेयर में आए हैं, बिक्री का रिस्पांस खूब अच्छा मिल रहा है। मेरठ के क्रिकेट गुड्स, खुर्जा की क्रॉकरी, बागपत के स्टोन, आजमगढ़ की ब्लैक पोएट्री, कानपुर की लेदर, भदोही और मिर्जापुर की कारपेट, वाराणसी की सिल्क वाली स्टॉल पर भी खूब भीड़ भाड़ है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।